नमस्कार दोस्तों, आप लोग स्वागत आनंद वाली लाइफ के एक नाम का ब्लॉग में। इस ब्लॉग में जाने वाले हैं कोलकाता, जैसा कि आपको पिछले ब्लॉग में बताए थे। नहीं देखिए तो जाके देखिए। अनबाका है ऐसे करते हैं, मतलब ये देख रहे हैं उन्हें देख रहे हैं। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूँ। कोलकाता इसीलिए जाने वाले है काहे की दुर्गा पूजा मनाने, क्योंकि आपको पता है कोलकाता का सबसे बढ़िया दुर्गा पूजा मनता है। बहुत दिन से मेरा मन था एक्सपीरियंस करने का कि वहाँ पे दुर्गा पूजा कैसन मनता है, क्या रहता है, कैसे रहता है। ढेर सारा पंडाल का लिस्ट सब हम बना के रख लिए हैं और इतना विशाल विशाल इतना यूनिक पंडाल सब बनता है। आपको दिखाएंगे, देखिएगा, देख के तो एकदम मजा सा आ जाए। तो देख रहे आउटफिट पूरा ब्लैक है हमारा, या मोजो ब्लैक है, पूरा नवका नवका कपड़ा सब पहन लिए जो सरोजनी से खरीदे थे। अभी कल जो सरोजनी गए थे पिछले ब्लॉग में जो आप देखे होंगे। और अपना मोटरी भी रेडी है, देख रहे हैं, या मोटरी है अपना, मोटरी रेडी। और मोटरी का देख रहे हैं कंडीशन थोड़ा खराब टाइप का, मतलब कि बैग देख के किसी को ये ना लगे कि भाई बहुत पैसा है, वैसे तो नहीं है, मतलब कि ये ना अमीर तमीर ना लग जाए। देखिए मेरे जीवन का एक सिंपल सा फिलोसफी है, वो हम आपको थोड़ा समझा देते। मेरा ये मानना है कि देखिए जीवन बहुत छोटा है, मतलब कि छोटा ही है, 100 साल क्या ही बड़ा हो। और इंडिया तो जानवे करते त्योहारों का दोस्त बोल रहे भाई, देश है, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। तो इंडिया तो जानबे करते त्योहारों का देश है। यहाँ पे हर त्योहार कितना धूमधाम से मनाया जाता है, कितना मतलब डाइवर्सिटी है त्योहार सब में, कितना मजा आता है। मेरा ये मानना है कि हर जगह पे जाके वहाँ का जो फेमस त्योहार है ना जाके मनाया जाए उस जगह पे। वहाँ पे जो आपको फील आएगा ना, वो फील आप कहीं पे नहीं ले सकते। चलिए वो फील आपको भी दिलवाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आपका मेरा जो सपना है ना, अगर आपका भी वो सपना है या नहीं है तो अभी बना लीजिए, आपका वो सपना हम पूरा करवा देंगे। ताकि सब जगह जाएंगे, सब जगह का ब्लॉग आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। और अगर भाई कोई बोला कि भाई हमको नहीं बोला जाने से पहले, जो लोग हमको पिछले मथुरा के ट्रिप में बोला था कि भाई हमको नहीं बोला, सबको बोले बेटा, अगर कोई बोल दिया हमको नहीं बोला भाई जाने से पहले तो समझ लो। खैर चलिए चलते हैं भाई कोलकाता। भाई एक्साइटेड तो बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं ना नेक्स्ट लेवल एक्साइटेड, उस लेवल पे एक्साइटेड, काफी ज्यादा मजा आने वाला, ये बात तो आपको पता। चलिए ठीक है दोस्तों, चलते हैं। यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे, ट्रेन का भान थोड़ा बता देते हैं। इंडिया में तो जानबे करते हैं भाई कालों में नांद लिए चलता है, ऐसे टिकट में तो ट्रेन में टिकट मिलबे नहीं करता। जा रहे हैं ट्रेन में, देखते हैं कैसे। टिकट जेन्युइनली नहीं है, झूठ क्या बोलेंगे, हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं इस चीज को, लेकिन आप एक बात मानिए, इंडियन रेलवे में जब आपको जरूरी हो, अब मानिए 800 रुपए का टिकट था, ब्लैक में हमको 2800 का बोल रहा था, हम कहाँ से कटवाएं। उतना तो मेरा बजट नहीं है घूमने का कोलकाता, जितना को टिकट हो जाता। इसीलिए हम मतलब इंडियन रेलवे को थोड़ा करना चाहिए भाई, की तत्काल सेवा को और सही रखना चाहिए। खैर चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं, देखते हैं इस ट्रेन में क्या झोल झाल होता है, नहीं होता। पूरा एक्साइटेड है, चलिए चलते हैं। साला हम तो गिलो मार रहे हैं, पूरा गिलो मार भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो जाने से पहले अपना भी प्यारा चप्पल है, चप्पल ले लेते हैं। देख रहे हैं चमड़ा तमड़ा उधर गया है चप्पल का, लेकिन फिर भी लेके जाएंगे, काम तो पड़ेगा। चप्पल बहुत काम आता है भाई ट्रेवल में। आप लोग के लिए भी प्रो टिप है, तो चप्पल ले लिया करिए, प्रो टिप है। और एक प्रो टिप आपको बताते हैं। देखिए ट्रेन में जो आपका सबसे बेसी पैसा खर्चा होने वाला है पानी में, पानी पीने। मेरा तो उसी में होता है, हम क्या करते हैं घरे से, देख रहे हैं 3 बोतल पानी, अपना 3 बोतल पानी भर के लेके जाएंगे। तो वहाँ जाने के बाद झोलना। देखिए दोस्तों पीछे में जो मेट्रो जा रहा है, उस मेट्रो से उतरे हैं, तो मेट्रो है पूरा एसी। अभी हम जाएंगे यहाँ से जनरल कंपार्टमेंट में या स्लीपर में घुसेंगे। देख रहे कितना ड्रास्टिक चेंज है जीवन में, कि एसी वाला बोगी से, एसी वाला मेट्रो डायरेक्ट जनरल कंपार्टमेंट। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। दोस्तों भीड़ देखियो, बस सब कलकत्ते जा रहा है क्या, मेट्रो के अंदर देखिए कितना भीड़, तो लाइन लगल है। देखिये दोस्तों नई दिल्ली स्टेशन पे आ गए हैं, अब चलिए स्टेशन के अंदर। तो जानते हैं 5:40 में हमारा ट्रेन है, समझे। अभी हो रहा है टाइम 3:40 हो रहा है, 2 घंटा पहले आए। देखिए टिकट नहीं रहता तो इतने झोल होता, पहले आना पड़ता है ताकि जगह मिल सके, समझ रहे। देखिए ये जो हमने पीछे में ट्रेन है ना, ये ट्रेन है वैष्णो देवी जाने का, मतलब समझ रहे माता रानी सही में हमको बुला रही है। अभी चाहे तो हम वैष्णो देवी का ट्रेन पकड़ के जा सकते हैं, लेकिन ना अब कोलकाता का प्लान बना है, तो कोलकाता जाएंगे पहले। वैष्णो देवी कब जाएंगे पता है, जब मतलब कि ठंडा का मौसम में जाएंगे, क्योंकि तभी वहाँ पे बर्फ़ सब गिरता है, बर्फ़ का भी थोड़ा इन्जॉयमेंट सब हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। फिलहाल तो चलिए कोलकाता का इंतजार है, 15 मिनट तभी से बैठा बीता है, समझ रहे हैं दोस्तों। तभी से हम घनघोर टेंशन में थे, भाई सोएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ। अब सब टेंशन खत्म हो गया, क्या कि यही खरीद लिए, देख रहे हैं कहीं बिछाएंगे कहीं सूझ जाएंगे, काफ़ी बड़ा मस्त प्लान है। और अगर कोई मिल भी गया ना, उसको भी सुता लेंगे, इतना बड़ा बॉय, समझ रहे। अब सब टेंशन खत्म हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे बैठे बैठे भैया जी से मेरा मुलाकात हुआ है। भैया जी हमारे मेहमान हुए, बांग्लादेश से आए। हाय बोलिए भैया। मतलब कि मेरे पास टिकट था नहीं तो भैया ने ऑफर किए कि अपने साथ चलते तो इतनी भैया के साथ सफ़र कटेगा। काफ़ी स्वीट है भैया, यहाँ पे आए मतलब कि हमको इनके बांग्लादेश में बिरयानी देता है, बिरयानी के बारे में बताया, बिरयानी काफ़ी शानदार है। सही भैया से मिलकर मज़ा आ गया। क्या भैया देखिए दोस्तों, 2 घंटा वेट करने के बाद आ गया अपना ट्रेन, यही ट्रेन है। देख रहे हैं भाई सब कोलकाता जा रहा है, आज हम जो जा रहे हैं। देखिए दोस्तों आ गए हैं, बैठ गए हैं, पीछे में भीड़ का आलम देखिए, बाप रे बाप हमारा भीड़ लगल है महाराज। लेकिन एक चीज़ बढ़िया है, इमरजेंसी खिड़की है बगल में, देख रहे हैं टिकट के इमरजेंसी खिड़की के पास बैठे हुए एकदम जलवा कहता था। मोबाइल को इधर नहीं कर सकते, जानते हैं छीन छोन कितना होता है। दोस्तों देखिए हम कितना ज़्यादा फेमस है, देख रहे हैं भैया मेरे ये वीडियो देख रहे हैं। हम नहीं बताए हैं भैया को कि मेरा चैनल, भैया हमने नहीं बताया आपको, आप अपने खोजे हैं ना। बड़ा हरामी हो बेटा, लेकिन है देखिए दिलो दे रहे हैं। थैंक यू भैया, आपको प्यार हो गया मेरे से, बताइए तो भैया प्यार हो गया। देख रहे हैं इसमें भी दिल दे रहे हैं दोस्तों। ये ट्रेन में टांग धरने का जगह नहीं, देख रहे हैं बाहर में देखिए लोग कितना खड़ा है, अंदर चढ़ने की जगह कहाँ है, देख रहे हैं कितना लोग हैं। यहाँ पे जानते हैं इस टेंशन में हम न पानी पी सकते हैं न मूतने के लिए जा सकते हैं। मानिए पानी पी लेंगे, मूतने कैसे जाएंगे, जगह है देखिए, है जगह है महाराज, जगह है ना जगह। इतना टेंशन है साला, प्यासों से मर जाइए, प्रेशरों से मर जाइए, बहुत दिक्कत है महाराज ट्रेन में। दोस्तों ट्रेन में बैठल बैठल आज हमको एक वाकया याद आ गया। हम शिरडी गए थे अपने पापा जी के साथ, शिरडी गए, मैं भी गया हूँ शिरडी गए हैं। तो शिरडी जब गए ना तो हम लगे हैं वो ऐसे घूम कर ऐसे जाता है हर जगह। तो वहाँ पे हमको एक पंडित जी मिले, मतलब साथ में पंडित जी भी थे। तभी हम छोटे थे, पापा जी के सामने क्या बोल दिया कि राजा जी, मेरा नाम घर का राजा है, राजा जी कि पत्नी सॉरी नींद जो है ना पत्नी से भी ज़्यादा प्यारा होता है। हाँ वो तो है। हम तभी लाज से कुछ नहीं बोल रहे थे, कहा कि पापा जी हमने बगल में बैठे हुए थे, हम बोले पागल आदमी है क्या बोल रहा था, मन खा दिए। और पूरा शिरडी का यात्रा से हम सब बात लगभग भूल गए होंगे, लेकिन ये बात नहीं भूले हैं। आज उसका प्राइम एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, दिखाते हैं अभी क्या कंडीशन लोग सोया हुआ है यहाँ ट्रेन में। देखिए नीचे में हम पैरों नहीं रख सकते, देख रहे हैं यही हुए हमारे राधिका रमन चौधरी जी, यही हुए। हाय बोलिए सर, हाय बोलिए, नाम बताइए सर आप अपना। भाई इनका नाम था राधिका रमन चौबे जी, लेकिन साला आधार कार्ड वाला सब पढ़ल लिखल तो रहता नहीं, वो चौबे के जगह बी के जगह डी डाल दिया तो हो गया राधिका रमन चौधरी जी। लेकिन स्लीपर से ज़्यादा बेटर तरीका से ट्रेनों का भी ये मतलब वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए दावेंगे, हर तरह का आवाज़ आना चालू हो जाए। ट्रेनों मालगाड़ी इनके पैसेंजर वाला समझे, इससे ज़्यादा बढ़िया स्लीपर से ज़्यादा बढ़िया तरीका से हम जनरल बोगी। दोस्तों इतना भीड़ में बस हमको एक ही बात अभी सूझ रहा है, अगर किसी का पेट खराब हो गया तो मेरे तरह बीच में बैठे लो क्या महाराज, वो तो भाई मर जाएगा। एक आदमी अभी जा रहा था, शायद इसका हो गया भाई, उसको रास्ता याद हो गया कहाँ कहाँ टांग धरना है, समझ रहे हैं। बहुत टेंशन है भाई, बहुत टेंशन यहाँ भगवान से मन। अभी गए तो कैसा ना एक्सपीरियंस रहा हमारा, बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा क्या है, टेलम टेल की मिशन पूरा किए ना, देख रहे हम लोग पूरा मिशन अति हुए टॉम क्रूज अपना मिशन इम्पॉसिबल वाला। बहुत कष्ट मारा चला, लेकिन गुलो मार रहे हैं रात में, कैमरा में देख मार रहे हैं, कैमरा में अपने फेस ब्यूटीफायर लगा ले। दोस्तों अभी जो चौबे जी को आपको दिखा है महाराज, मतलब उनका देखिए आस्था माता रानी के प्रति। विंध्याचल धाम एगो यहाँ पे है, जहाँ पे गए थे आपको ब्लॉग भी बताए होंगे, आपको विंध्याचल धाम का ब्लॉग होगा मेरे चैनल पे। यहाँ पे स्टॉपेज नहीं है, लेकिन फिर भी बैग टैग लेके इतना भीड़ में तैयार हो गए जाने के लिए। वहाँ गए, अभी लग रहा है ऐसा कि ट्रेन रुक जाए, रुक देख रहे आस्था कितना है, ट्रेन का स्टॉपेज नहीं फिर भी यहाँ से वहाँ चले गए कि रुक जाए, रुक गया तो समझिए चमत्कार है बात। अभी भी जाइए रहे हैं, पहुँचे नहीं, देख रहे हैं रास्ते में अभी तक नहीं पहुँचे। सुबह का 4:30 बज रहा है लगभग, सब सो गया सब, बाप रे बाप प्लेस तो लेट्स go देखिए दोस्तों, लगभग अब मेरा जर्नी कंप्लीट होने वाला है। 2-4 घंटा का और देरी है, उसके बाद गंतव्य पे पहुंच जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा झोलझाल हुआ, स्लीपर में जनरल वाला फीलिंग आ गया, सॉरी उससे भी नीचे वाला, पता नहीं चल रहा था स्लीपर में कि जनरल में है। देख रहे हैं यहाँ ट्रेन रुकल है, अब बस पहुँचिए जाना है जल्दी। सब बेचैनी सा मन में हो गया है कि कब पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, बहुत टेंशन है भाई यहाँ पे। अब प्लस एक और झोल वाला बात पता चल गया हमको, वेदर फोरकास्ट में बताया कि कोलकाता में 4 दिन लगातार बारिशें होने वाला। हम घूमेंगे कैसे छत्ता ले लेके, कुछ पता नहीं चल रहा। चलिए उतरते हैं हवरात, अब देखते हैं कैसन क्या बहान। और अभी ट्रेन में एक और बात है, हमको एक भैया मिले, समझे वो भी बांग्लादेश से है, तो गूगल में काम किए हुए हैं, IRCTC में काम किए हुए हैं, इतना इतना जगह काम किए होंगे। प्लस जानते हैं उसको IRCTC में ऐसा ऐप में ID दिया है, वो ID से वो कभी भी कोई भी ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं, उन लोग के लिए स्पेशल रिजर्व करके मजा आया भाई, लेकिन उन्हीं लोग का। बढ़िया खाना 50, बढ़िया खाना 50। दोस्तों अनराबो का ट्रेन हुआ ही, पहले लगता था इसको आँख कंदुनू होगा, बाद में पता नहीं इसके साथ कुछ हुआ होगा, सब चीज़ बंद तंद कर दिया। दोस्तों कहीं देर में सहरसा, सॉरी दोस्तों कहीं देर में कोलकाता पहुंचने वाले, लेकिन फीलिंग हमको शहर से बुला रहा है। देखिए आपको भी लगेगा, पटना सहरसा जा रहे राजधानी में बैठे।